Ah, ti dan ayi. Frasa, eh, or, come on, come on. Ah, ti dan ayi. Thank you.
ಪ್ರಣೀತಂ ಜೈನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಹಾಬದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೆ ಗೌರತಿಶೇ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರಯಾ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರ್ವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿನಾಥ. ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟೆಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? Then you should do. Now I am speaking on Srimad Bhagavatam. You should try to listen from him or Naveen Prabhu. Aaj hum log Srimad Bhagavat ke sambandh mein kuch batlane ja rahe hain. Beech beech mein main thoda sa angrezi bol dunga, aur nahi to ye log बोल दिया करें. हमारे यहां दो प्रकार की उपासनाएं हैं. पहली उपासना आचार्य शंकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा. वो साक्षात शंकर जी की मूर्ति हैं, किंतु विशेष कारण से उन्होंने अपना एक अलग मत चलाया. आज से करीब करीब 2500 वर्ष पहले उन्होंने कहा, जो विश्व ब्रह्मांड का सृजन करता है, रचता है, वो निराकार है. उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है. शंकराचार्य केम एंड टोल्ड दैट गॉड हैज नो एट्रीब्यूट, नो शेप, नो क्वालिटी, नथिंग. ही इज निर्विशेष, विदाउट पावर, ऑल नेगेटिव एस्पेक्ट्स देयर. Why he told? He was following the order of his Prabhu Krishna. Krishna is told to do. Why? Krishna knows. तो शंकराचार्य जी ने यह बतलाया कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, किंतु वेदों में कहीं नहीं ऐसा कहा गया. ये भगवान निराकार हैं, निर्गुण है, निःशक्तिक है. और दूसरी तरफ में एक उपासना वो है जो भगवान को अपना सखा, अपना बेटा, अपना प्रियतम सब कुछ मान करके उनकी आराधना की जाती है. और भगवान का रूप है, गुण है, क्रिया है, नाम है. ये जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है. शंकराचार्य कहेंगे, मंडलेश्वर लोग, जो जगत असत्य है. तो माता पिता सभी असत्य हैं, आप भी जो बोल रहे हैं वो भी असत्य हैं. तो कृष्ण भी असत्य हो जाएंगे, राम भी असत्य हो जाएंगे, दुनिया असत्य हो जाएगी. इसलिए जगत सत्य है. कौन कहता है? भागवत, गीता, वेद, उपनिषद सब एक आते हैं, भगवान का रूप है. यदि भगवान का रूप ही नहीं है तो उसे जगत कहाँ से आएगा?
जिसको ये शक्ति नहीं है कि हम अपना रूप रखें तो वो और क्या कर सकता है। इसलिए ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है जो कुछ कर ही नहीं सकता, जिसमें कोई पावर नहीं है, जिसमें कृपा भी नहीं है, जो हमसे बोल नहीं सकता, जो हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता, हमसे प्रेम नहीं कर सकता, उस भगवान की क्या जरूरत है। इसलिए स्वयं कृष्ण भगवान वृंदावन में प्रकट होकर के किसी के सखा, किसी के मित्र, किसी के बंधु, किसी के प्रियतम, किसी के सखा इत्यादि होकर के वृंदावन में खेला, लोगों को प्यार किया, जीव जंतुओं को भी प्यार, ये भगवत्ता है। इसलिए भगवान में भी समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण को बला बतलाया गया है। गीता में भी भागवत एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। परहैप्स यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट सम टेल लाइक दिस थ्योरी दैट गॉड हैज नो एट्रीब्यूट, नो शेप, नो क्वालिटी, नथिंग, नो पावर। अदर है इन अदर हैंड गीता, भागवत, वेद, पुराण और ऑल वैष्णव भक्त देर टेल कृष्ण हैज शेप, कृष्ण हैज एट्रीब्यूट, कृष्ण हैज सो मच पावर, ही सो मर्सीफुल, ही कैन सेव अस फ्रॉम एनी कैलेमिटी, सफरिंग्स एंड सॉरोज। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ उपासना, बट अवर गीता, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद ऑल हैज टोल्ड दैट कृष्ण हैज शिव, ही हैज सो मेनी क्वालिटीज, अबव ऑल ही इज सो मर्सीफुल। वो हमारे ऊपर में कृपा कर सकता है, बातचीत कर सकता है। अभी भी यदि कृष्ण को बुलाएं तो कृष्ण मीराबाई जी के साथ में खेले कूदे नहीं, अभी भी उपासना करेंगे तो उनको दर्शन कर सकते हैं। और जो भगवान रूप ही नहीं जिसका है, जिसमें दया नाम की कोई चीज नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो रूप ग्रहण कर सके, तो वो भगवान और ब्रह्म क्या है। गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा, ये सब एक है। गॉड माने क्या होता है? जी ओ डी, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉयर। हमारा भगवान में भी यही होता है, जो कुछ सृष्टि कर सकता है, दोज हू कैन क्रिएट लैक्स एंड लैक्स वर्ल्ड्स। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। What is the meaning? God ने अपने रूप के समान मनुष्यों को बनाया। If God has no shape, then how he can make all these persons? It is written in Bible, this line. If Krishna has shape, then he can make men after his own image. Also in Quran Sharif it has been written, Inna Allaha khalaqa min surati, Khuda Taala ne apne roop ke saman mein hame banaya. God created men after his own image. Everywhere we can see this. Ile Bhagwan ka roop hai. Jis jagat mein Ram Krishna ityadi aaye, itni leelaen ki ye sab asatya ho jayengi. ये असत्य नहीं है। हाँ, एक चीज असत्य है, वो क्या चीज? देयर इज वन थिंग दैट इज फॉल्स, द रिलेशन बिटवीन वन सोल एंड अनदर, दिस बॉडी एंड अनदर, दैट ही इज माय सन, ही इज माय हस्बैंड, दिस इज श्योरली फॉल्स। कृष्ण इज ओनली अवर सन, ओनली ही इज एवरीथिंग फॉर परपेचुअल, नित्य काल के लिए। वो कृष्ण हमारे पिता हैं, भाई, बंधु, सखा, तमेव बंधोस, तमेव माता पिता, तमेव तमेव बंधुश्च सखा, तमेव द्रविडम,
तमेव सर्वं मम देव देव कृष्ण है। सो इसलिए कृष्ण को अभी भी 100,000 वर्ष पहले जो दीप बंसी बजाने वाले के रूप में देखा, आज भी उनको यदि देखेंगे उसी रूप में, इफ लैक्स एंड लैक्स ईयर्स बिफोर, इफ एनी हैज वन हैज मेडिटेटेड कृष्ण, ही शुडली हैव टेकन द दर्शन ऑफ कृष्ण द सेम शेप एज टुडे ऑलवेज। उनका रूप नहीं बदलेगा। 1,00,000 वर्ष पहले सूर्य को गीता का उपदेश दिया, उस समय में भी बंसी बारे, एक ही रूप, श्याम सुंदर मुरलीधर नवकिशोर नटवर कृष्ण का रूप, उनका चेंज नहीं होगा। राम कभी भी चेंज नहीं होंगे, धनुष बाण हाथ में लिए सीता जी के साथ में रहेंगे, वो भी भगवान का रूप, दो भगवान नहीं है, एक ही है। मत सोचो जो भगवान बहुत हैं, राम कृष्ण परशुराम वराह देव लक्ष्मण ये सब नारायण सब एक हैं। जैसे चंद्र एक है, उसकी 16 कलाएं 15 दिनों में 16 कलाएं दिखती हैं, चंद्र अलग अलग नहीं है, नो सो मेनी चंद्र मून ओनली वन मून, वैसे ही भगवान एक है। इसी चीज को गीता और भागवत में दिखलाया गया है, इट इज हैज बीन टोल्ड इन गीता एंड भागवत। इसलिए भगवान को अपने प्रिय बंधु मान करके उनकी आराधना करनी चाहिए। कभी भी मत सोचो जो भगवान का रूप नहीं है, जगत असत्य है, तब तो फिर तो जो गुरु है वो भी असत्य हो जाएगा। जो उपदेश ऐसा देता है पहले वही असत्य है, उसी को नहीं मानना चाहिए, ऐसे गुरु को जो असत्य जगत को बतलाता है। कृष्ण राम इत्यादि को नहीं मानता, वेद शास्त्र नहीं मानता है, इसलिए हमारी ये संस्कृति है। अब हम भागवत के तरफ में चल रहे हैं। मैंने कल बतलाया था, आई टोल्ड यू ऑल यस्टरडे इन माई क्लास, व्यास आफ्टर राइटिंग ऑल द पुराण्स महाभारत वेदांत एवरीथिंग कंप्लीटेड एंड ही वाज सिटिंग ऑन द गैंजेस साम्यप्राश स्थान एंड नारद केम एंड देयर वाज अ डायलॉग बिटवीन देम, दोनों में बातचीत हुई। उन्होंने क्यों दुखी हो, दुखी होने का कारण है आपने कृष्ण लीला चरित्र नहीं लिखा, आपने कंफ्यूजन कर दिया, शंकर जी आराध्य हैं कि गणेश जी आराध्य हैं कि दुर्गा देवी आराध्य हैं कि कृष्ण आराध्य हैं कि विष्णु आराध्य हैं, आपने कंफ्यूजन कर दिया। यू हैव मेड कंफ्यूजन दैट वी शुड वर्शिप गणेश और शंकर और सो मेनी डेमी गॉड्स, व्हाट वी शुड डू। इसलिए आप स्थिर करके बतलाइए जो सच्चा चीज है, जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो गीता में बतलाया देवताओं की उपासना करने वाले हमारे ही उपासना करते हैं किंतु अविधि पूर्वकम, वो सब देवता जितने हैं वो सब भगवान की विभूतियां हैं, प्रभु के ही सब विभूति है, शक्तियां हैं, इसलिए उनका आदर होना चाहिए, किंतु भगवान नहीं है वो। गणेश जी आप लोग जानते होंगे, राम नाम लिख करके 3 बार परिक्रमा कर दी तो दुनिया परिक्रमा का फल मिल गया, जो देवताओं के उपास्य बन गए। तो जिस राम नाम के बीच में लिख करके और वो इतने पूज्य बन गए, तो बतलाओ तो वो राम नाम और कृष्ण नाम कितना बड़ा महिमा है उनकी, इसलिए सभी बराबर नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। गीता भागवत इसीलिए भागवत का प्रकाश हुआ, लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए, वो समझें जे कृष्ण ही सबके आराध्य हैं, इस चीज को समझा जाए।
इनकी उपासना करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। ये प्रेम के रूप हैं कृष्ण। कृष्ण इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रेम। कृष्ण इज हिमसेल्फ प्रेम रस, ओशन ऑफ रस। नारद जी ने कहा मैं कैसे इसको अनुभव करूं, हाउ कैन आई रियलाइज दिस फैक्ट दैट कृष्ण इज ओशन ऑफ रस, ही हैज शेप एंड ही हैज डन सो मैनी पास टाइम्स ब्यूटिफुल। भक्ति जो काश है लीजिए, भक्ति करना बहुत ही सहज है, कठिन नहीं है। उनका नाम स्मरण करके प्रभु आप ही हमारे सर्वस्व हैं ऐसा कह करके और शरणागत हो जाना, इसी का नाम तो भक्ति है। यहीं से भक्ति भी आरंभ होती है। इन मॉर्निंग वी आर सीटिंग, वी आर स्लीपिंग, एनीथिंग डूइंग, ओ कृष्ण आई एम योर्स, यू आर माइन। सच्चे हृदय से ऐसा कहो इफ यू आर टेलिंग लाइक सो, इसी का नाम भक्ति है। सर्वधर्मान अपत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। व्यास जी ने समाधि लगाई, भक्ति योग से उनका चित्त निर्मल हो गया। भक्ति योग कहते हैं किसको, सभी करते हैं भक्ति, किंतु बिरले आदमी का भक्ति भक्ति होता है, सबका नहीं होता, नहीं तो भगवान उसके वशीभूत हो जाएंगे। जब हम अपने तन से, मन से, वचन से, सारी इंद्रियों से, मन से भी, जब सब कुछ भगवान की प्रीति के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं, तब इसको भक्ति कहेंगे। When you are doing by our all senses, always to please Krishna, not for our own selfishness, that Krishna, you are orderly, give me a glass of water, give me wealth, reputation, son, wife, so many things, giving. ये भक्ति नहीं है। हम भारतवर्ष में कभी कभी देखते हैं, आई सी इन इंडिया दैट एनी पर्सन गोइंग टू शंकर जी और उनके घर के बाहर में जो चौकट पर ऐसे दबाते हैं, शंकर जी शंकर जी शंकर जी, ऐसे कर हमको एक बेटा दे दो, हमको धन दे दो, संपत्ति दे दो, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी हो जाए ना, हमारा लड़का एक क्लास में फेल हो गया, जल्दी से उसको पास करवा दो, हम जो बिजनेस करते हैं वो फेल हो जाता है, जल्दी से ठीक कर दो, हम तुमको चार आने का बताशा या फूल हम चढ़ा देंगे। इन इंडिया वी सी दैट एनी वन गोइंग टू शंकर जी एंड दे डू लाइक दिस मैसेज दैट डोर न, ओ शंकर जी यू शुड बी प्लीज टू मी, गिव हिम ए गुड हस्बैंड, गिव मी अ वेरी ब्यूटिफुल सन, माई बिजनेस इज गोइंग डाउन, वी शुड हेल्प मी, सो मेनी डिजायर्स। दिस इज नॉट भक्ति, ये भक्ति नहीं है। अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पण कर, उसकी प्रसन्नता के लिए ही, सुख दुख कुछ है बस उसको संभल करके चले, सब समय प्रसन्न रहे, जो जिस अवस्था में है उसमें संतुष्ट रहे और अपना ड्यूटी सब पूरा जितना उसका कर्तव्य है वो करे, यह है भक्ति। इसलिए भगवान की प्रसन्नता करके करने के लिए अपने लिए कुछ मत मांगो, प्रभु यदि देना भी चाहते हैं तो ये मांगो जी आपके चरण में हमारा प्रेम हो। गोपियों से कृष्ण ने पूछा, गोपी से पूछा भाई तुम हमारी इतनी भक्ति करे, कुछ ले लो मांग लो,
तो उन्होंने कहा कि आपकी सेवा हमें मिले। कन्हैया कुछ अपने लिए मांगो। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद महाराज जी को जानते हैं आप लोग, यू नो प्रहलाद महाराज, नृसिंहदेव। इन द लास्ट ही टोल्ड व्हाट यू वांट, यू शुड वेक मी एनी बेनिडिक्शन, ही फ्लैटली रिफ्यूज्ड। आई एम नॉट ए बिजनेस पर्सन दैट आई विल टेक समथिंग एंड गिव समथिंग। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैंने सर्वस्व आपके चरणों में दे दिया है, उसके बदले में कुछ नहीं लेना चाहता। इस पृथ्वी का राज्य या कुछ भी वैभव साम्राज्य, पृथ्वी का राज्य, यहां तक की मुक्ति भी नहीं मैं चाहता। जिस प्रकार से आप रखे रहेंगे हम आपकी सेवा करते रहे, बस यही चाहिए। उन्होंने नहीं 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 कुछ मांगो। नृसिंह देव टोल्ड दैट यू शुड हैव एनी बेनिडिक्शन। ही फ्लैटली रिप्लाइड, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एपुलेंस, आई डोंट वांट मुक्ति येट, नो किंगडम, नथिंग, नो इंद्रपद, इंद्रपद यू नो नथिंग, आई एम नॉट ए बिजनेस पर्सन, टेकिंग एंड गिविंग। सो इफ आई हैव एनीथिंग टू डिजायर, यू शुड फिनिश इट, आप उसको समाप्त कर दीजिए। मांगने की इच्छा ही नहीं रहे, पर सेवा करता रहूं। प्रभु ने कहा जो तुम्हारे अंदर में कुछ ऐसी बात नहीं है, फिर भी तुम कुछ मांगो। He told that no, I know that you have no desire, but yet you should want anything. He told that if you are pleased so much, then you should forgive me, my father, because he has done upset you. यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे पिताजी की सुगति हो जाए। उन्होंने आपको बहुत अपशब्द कहे हैं, उन्होंने भक्तों का निरादर किया है, उनका अपराध क्षमा करके उनको सुगति दे दीजिए। He told that if you want to give me something, you can give me that thing, that forgive my father, that he has done offenses to me and to you. He told, oh, it has been given before. पहले ही ये हो गया। जिसके घर में एक वैष्णव होगा भगवान का भजन करने वाला और तुम्हारे जैसा होगा उत्तम, तो उसके 21 पीढ़ी के लोगों को भजन करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे ही हम उद्धार कर दिया करता हूं। तो तुम्हारे पिताजी का तो पहले उद्धार कर दिया। इफ एनी डिवोटी विल चैंट, मेडिटेट एंड सर्व कृष्ण एंड ही इफ ही इज उत्तम अधिकारी, देन कृष्ण टेल्स दैट हिज 21 डाइनेस्टिटी जेनरेशन आई गिव देम कृष्ण प्रेम, सो डोंट वरी फॉर दैट। एंड इफ हिज मध्यम अधिकारी देन 14 जेनरेशन, एंड इफ कनिष्ठ लाइक अस, यदि हमारे समान कनिष्ठ हों, साधारण रूप में ही भगवान का नाम लेते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी भी 7 पीढ़ी के जितने हैं माता पिता इत्यादि सभी का उद्धार हो जाता है। देन इफ ही इज कनिष्ठ देन 7 जनरेशन, क्या उनका उद्धार हो जाता है, लिबरेटेड। एंड आई गिव देम भक्ति, गिव देम भक्ति, सो डोंट वरी। यू शुड आस्क एनी अदर बेनिडिक्शन, और कोई दूसरा मांगो। उन्होंने कहा जी हमको भ्रमित मत कीजिए, डोंट चीट मी, प्रहलाद टोल्ड, बट इवन यू वांट दैट आई शुड हैव एनी बेनिडिक्शन, दैट आई एम टेलिंग यू दैट आई नो दैट होल वर्ल्ड, ऑल द जीवास आर सफरिंग, संसार में जितने जीव हैं ये लोग जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, तरह तरह के दुख भोगते हैं,
इन सब का दुख मैं लेकर के जन्म जन्मांतर भोगूं और इन सबको मुक्ति दे करके अपने चरणों की सेवा दे करके इनको सदा के लिए माया से पार कर दीजिए. He told that I want to take all the miseries and sufferings of whole universe. They should be liberated and given your prem. And I will bear lakhs and lakhs life suffering sorrows. Then Krishna told, no need of doing so. ऐसे करने की जरूरत नहीं. जो तुम्हारी हमारी गाथा को गाएगा सुनेगा प्रहलाद जी का चरित्र, सबको मैं संसार से मुक्त कर दूंगा. इसलिए भगवान के भक्त लोग भगवान के दिए जाने पर भी कुछ नहीं लेते, मुक्ति टुक्ति कुछ नहीं लेते, भगवान के चरणों की सेवा में वो आनंद प्राप्त करते हैं. इसलिए हम लोगों ने घर छोड़ा. किस लिए? घर में तो कुछ खाने पीने की सब की क्यों रहती है, अच्छी तरह से भगवान का हम भजन कर सकें. भगवान से कुछ नहीं मांगते, नहीं तो बनिया हो जाएंगे, बनियागिरी. बनिया जानते हैं ना किसे कहते हैं? घटिया माल दिखा करके, अच्छा माल दिखला करके घटिया माल चलान दे देंगे. नमूना होगा और फर्स्ट क्लास, और माल होगा थर्ड क्लास. ये बनियागिरी, उसमें भी डंडी तौलने में ही मार दिया, कुछ घपला कर दिया. भगवान के साथ में ये नहीं चलने का. इसलिए भक्ति में ने संपूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर करके उनकी प्रसन्नता के लिए ही अपने तन से मन से वचन से यदि किया जाते, इसको भक्ति कहते हैं. व्यास जी ने भगवान की समाधि लगाई भक्ति के द्वारा. व्यासदेव वेंट इन समाधि बाई भक्ति योग एंड ही एट वन सॉ इन हिज हार्ट कृष्ण अपीयर्ड इन फूल. कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हो गए इन फूल. फूल में माने क्या? श्याम सुंदर रूप, कदम्ब की छैया में त्रिभंग ललित, ललित त्रिभंग रूप में खड़े हुए, मुस्कुराते हुए, गोपियों के साथ में देखते हुए, राधा जी को बाएं तरफ में रखे हुए वृंदावन में जमुना के तट पर प्रकट हो गए. उन्होंने बचपन से लेकर के सारी लीलाओं का दर्शन किया. व्यासदेव saw in his समाधि as if he was seeing what he saw, very beautiful Krishna. He was in Kishore, you know, not young, not child, very beautiful. And he was in Lalit Tribhangi, in threefolded, taking Venu float on his beautiful lips. And he was attracting whole world. He saw also that Narayan Ityadi, all were Krishna parts. But what kind of part? Full. Purna, Purnam Adaha, Purnat Purnam Udochyate, Purnasya Purnam Eva, Adaya Purnam Eva Avasishyate. Krishna is full. His parts are also full. When something is taken from Krishna, Krishna and that part also full. Infinitive. Infinitive minus infinitive is equal to infinitive. असंख्य में से असंख्य लो तो अभी असंख्य ही रहेगा. इसलिए कृष्ण कभी कम नहीं होते. कृष्ण से राम आते हैं, नृसिंह आते हैं, किंतु कृष्ण भी फूल हैं और राम भी पूर्ण है ना. यदि जीरो है तो शास्त्रों में पूर्ण नहीं लिख करके जीरो कर देते. शून्य, शून्य से जो कुछ होता है सब शून्य ही होता है. ऐसा नहीं, हमारे शास्त्रों में कृष्ण को पूर्ण बतलाया, भगवान को पूर्ण बतलाया, खुदा अल्लाह को पूर्ण बतलाया है ना. और उसकी अनुभूति होगी भक्ति के द्वारा ही. उन्होंने उस समय और भी देखा, ही saw समथिंग मोर, बट ही saw दैट
So many numerous souls are coming. Those who are not serving, they are going down in Maya. And those who are in Maya, serving, meditating, chanting, they are liberated and going in the service of Krishna. In Vaikuntha, Golok Vrindavan. जिन लोगों ने उन्होंने देखा कितने अवतार हैं कृष्ण से निकल रहे हैं और फिर उनमें मिल रहे हैं, सब समय पूर्ण हैं, वृंदावन की सारी लीलाएं कैसे करते हैं, सखाओं के साथ में गोचारण के लिए जाते हैं और साधारण बच्चों के साथ में प्रेम से गौओं का चारण करते हैं, गोचारण करते हैं, खेलते हैं, कभी श्रीदाम जी से लपट जाते हैं तो श्रीदाम उनको गिरा देता है, ऐसी ऐसी लीलाओं को भी करते हैं, हंसने लगते हैं दोनों मिलकर। यशोदा जी कभी उनको बांधने का प्रयास करती है, दामोदर लीला हुई गोकुल में, ये लीला हुई, यशोदा जी उन्हें बांध रही थी, नहीं बांध पा रही थी, बट जब दुखी हो गई, पसीने से तरबर हो गई तो अपने आप बंध गए ओखल से। ये सब लीलाएं की, रास लीलाएं हुई, जरासंध इत्यादि का वध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, ये सारी लीलाओं को उन्होंने प्रत्यक्ष उनमें से देखा। जीवों का कैसे कल्याण होगा, हाउ वी कैन हैव कल्याण, माने ऑस्पिशियस, कैसे हम लोग माया से पार जा सकते हैं, हाउ वी कैन क्रॉस माया, birth and death, suffering, sorrow, oldness and all these things. Only by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. और कोई उपाय नहीं, भक्ति के द्वारा ज्ञानी लोगों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, मुक्त होने पर भी उनको नहीं छोड़ेगा। और यदि कोई अत्यंत साधारण रूप में भी भगवान का नाम करता है तो उसका भूत भविष्य वर्तमान के जितने पाप हैं सब दूर हो जाते हैं, हृदय निर्मल हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसका हमने जगह अजामिल के लिए कल दिखलाया, आई हैव शोन इट दैट इवन मायावादी सन्यासीज, दे मे बी मंडलिस्ट फॉर एनीथिंग लाइक शंकराचार्य, दे विल हैव टू अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, दे विल हैव टू सफर फॉर देयर बैड एंड गुड वर्क activities. But Vaishnav who telling Krishna naam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Ram. Not full name, only Hare Krishna. Not Hare Krishna, only Hare. Ram, even Ram. Any naam, name of Krishna. They will be liberated at once. So, all has been written in Srimad Bhagavatam. He wrote it in letters. At first there were no letters. No writing. It was called Shruti. Shruti means to hear. Guru is telling, disciples are hearing. Itani unki shakti thi sunne mein, brahmacharya rahate the 25 varsh tak. सुंदर हवा थी, गायों का दूध शुद्ध मिलता था, वातावरण शुद्ध रहता था, क्रमशः वातावरण खराब होता गया, दूषित होता, ब्रह्मचर्य नहीं रहे, लोग रहने लगे, मेमोरी भी उनकी खत्म होने लगी। पहले लोग गीता भागवत रामायण पुराण वेद उपनिषद सब मुखस्थ रखते थे। एट फर्स्ट ऑल यूज टू हैव वेद उपनिषद ऑल इन देयर throat. But time went on. And in Kali Yuga, we cannot remember a name also. With us, what is your name? My name is Urdhmanthi Maharaj. What? I should write. And they will produce their black tape record box. Or write down. Then what again? Half name will be written and after what name? And they will miss it. Bhul jate hain.
तो वेद उपनिषद रामायण पुराण और तत्व ये सब को कैसे स्मरण रखेंगे, नहीं रख सकते। इसलिए व्यास जी ने उसको अक्षरात्मक रूप में उसको लिखा, ही रोट एन शब्द ब्रह्म, इट इज कॉल्ड शब्द ब्रह्म। व्हाट ही रियलाइज्ड, व्हाट ही सॉ इन हिज समाधि, ही रोट इट ऑल। यस्या वै श्रूयमाणाय कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूप पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा, ही रोट दैट भागवत, व्हाट ही सॉ इन हिज समाधि, एंड दैट इज कॉल्ड श्रीमद भागवतम, समाधि भाषा। शब्द ब्रह्म को आप समझिए, शब्द ब्रह्म किसे कहते हैं, व्हाट इज शब्द ब्रह्म। इफ यू आर नॉट ए योर गुरु इज नॉट डिवोटी एंड ही हैज नॉट रियलाइज्ड दैट हु इज कृष्णा, ही हैज नेवर डिवोटी only some chanting sometimes, if he is telling Ram Ram Krishna Krishna there will be no effect। जैसे धान होता है, पहिया होती है, भूसा, भूसा कूटने से चावल का कण नहीं मिलेगा, लाख कूटते रहो। If you are husking what only grass, no grain will come, no rice, उसी तरह से आप लाख राम राम कीजिए कुछ नहीं होगा। यदि गुरु ऐसे रियलाइज्ड हो, जैसे नारद जी ने कहा वाल्मीकि जी को, मरा मरा करो तभी हो जाएगा, मरा मराम राम राम आ गया ना, और कैसे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हो गए। और हम तो हरे कृष्ण पूरा कह रहे हैं तो भी नहीं होता, क्यों? इसका कारण है, या तो गुरु ऐसा नहीं है अथवा हम ठीक से भगवान का नाम नहीं कर रहे हैं। ठीक ठीक से करेंगे तो जरूर उसमें शक्ति आएगी, आप जो कुछ कहेंगे वही हो जाएगा। इसलिए वो शब्द ब्रह्म नहीं है, शब्द सामान्य है। अभी एक कृष्ण को बुलाओ नहीं आएंगे, और व्यास जी सुखदेव जी या वैसे रियलाइज सोल हैं बुलाएंगे तो कृष्ण आ जाएंगे। इसलिए वो सप्त ब्रह्म है, वाल्मीकि व्यास जी ने वो सबको लिखा और वही हमारे सामने ये भागवत है। इस भागवत की पोथी को ये पोथी मत समझो, यह दिव्य ज्ञान है, प्रेम है। कैसे इसका प्राकट्य हुआ, हाउ इट केम इन दिस वर्ल्ड, दिस भागवत इज ऑफ गोलोक वृंदावन, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिमसेल्फ कृष्ण, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड दिस बुक भागवतम। बट भागवत इज नॉट ए पेपर, वो केवल कागज नहीं है, प्रेम का स्वरूप उसका है। उसमें द्वादश स्कंद हैं, देयर आर द्वादश स्कंद इन भागवतम, 12 कैंटोस, ऑल आर 12 पार्ट्स ऑफ कृष्ण बॉडी, कृष्ण हिमसेल्फ। इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम भागवतम ही विल एट वंस गिव एज कृष्ण गिव्स। आई थिंक दैट भागवत इज मोर सुपीरियर दैन कृष्ण हिमसेल्फ। भागवत कैन वी कैन रीड एनी वेयर, बट कृष्ण विल नॉट कम एंड टॉक विथ अस इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड। बट एनी अनक्वालिफाइड पर्सन कैन गो टू एनी वैष्णव एंड ही मे हियर इट। इसलिए भागवत को श्रवण करना चाहिए, इसके उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। परीक्षित महाराज वंश he was going to conquer whole world, whole world. We know that Arjun once came, he came to Australia also, Australia, how Australia,
अस्त्र लिया, he took अस्त्र from शंकर जी there. मलेशिया, what is this? मलय चंदन. मलय देश, मलय प्रदेश. So Malaysia. नस्टलियन से पार्ट आल्सो इंफ्लुएंस ऑफ ओरिजिन. मलेशिया, मलय पर्वत. हनुमान जी यहाँ आए, अर्जुन जी आए, हमारे ऋषि लोग यहाँ पर आकर के भजन करते थे. कैस्पियन सी, व्हाट इज कैस्पियन? कश्यप ऋषि देयर, कश्यप ऋषि वहाँ रहते थे, भजन करते थे. इसलिए वो जब लौट करके परीक्षित महाराज आए, ही वॉज गोइंग टू कंकर एंड आफ्टर कंकरिंग होल वर्ल्ड ही कैन रिटर्न. ही वॉज सो थर्स्टी, वो बहुत प्यासे थे. एक ऋषि के आश्रम में गए, पानी मांगा. आई एम सो थर्स्टी, प्लीज गिव मी सम वाटर. बट ऋषि वॉज एब्सॉर्ब्ड इन समाधि. कृष्ण कृष्ण हियर. ही थॉट दैट ही इज चीटिंग मी. ही हैज ओनली क्लोज हिज आईज, आंख केवल बंद करके रखा है. जैसे आजकल हम लोग साधुओं को साधु नहीं समझते, और साधु भी वैसे थर्ड क्लास के, जो पेटों पर ही निर्भर रहते हैं, चोरी चमारी भी करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, वो साधु साधु नहीं है. साधु में गुण होना चाहिए ना. साधु बहुत कम होते हैं. साधु के नाम पर बहुत से लोग लोगों को ठगते हैं. जो हम लोगों के पास नहीं रुपया भी उनसे मांगेंगे, उनको क्या जरूरत है इसकी. इन्होंने समझा कि ये साधु ठीक नहीं है, यह है तो हमें ठग रहा है. He thought that he is cheating us. He has closed his eyes. He don't want to talk with me, and he does not want to give me water. So he thought that he should be given some puraskar. Presentation. Not punishment. But like punishment, he should be garlanded. But what kind of garland? A dead serpent. अपने धनुष के कोण से उन्होंने सांप को उठाकर उनके गले में तीन बार लगा दिया. ये पहनिए, आपके लिए यही शोभा देता है. आप पानी नहीं पिला सकते तो साधु कैसे. लोग ऐसा समझते हैं, किंतु यह गलत धारणा है. सब समय भगवान की सेवा में वो तल्लीन रहते हैं. हम लोग उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें वैसे नहीं हैं. वी कैन नॉट रियलाइज हु इज रियल साधु आर नॉट. इफ एनी वन रियल साधु, देन ही कैन अंडरस्टैंड दैट हु इज रियल डिवोशी, अदरवाइज ही कैन नॉट. सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड. देन ही टोल्ड एंड ही वेंट टू हिज किंगडम. When he was in the way, the son of that Rishi was playing with boys on the side of any river. He heard that anyone has garlanded my father like with his dead serpent. He became at once upset and angry, and he told that the person who has done this, he should die in 7 days by bite of any takshak. Snake. A snake will come and bite after 7 days. I have given him 7 days. He must die. ऐसा करके उन्होंने अभिशम्पात उठाया पानी. नंगा लड़का, naked boy of only 5 years. But he has some jug of pavit like this. He took water from that river and he sprinkled on him, and he at once be like done that, and then took that water and sprinkled. Go to Parikshit Maharaj. He has done offense to my father, and that serpent will go and he will bite him, and he must die after 7 days. None can save him. Anyone cannot save. After that,
when his father awoke from samadhi, he knew all things. Why you are weeping, my child? Oh, you are not seeing? Seeing that a serpent is here? Oh yes. Who has done? Why you get coarse? आपने उनको क्यों दिया अभिसंपात? तू ब्राह्मण का लड़का नहीं, ब्राह्मण को ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अपराध भी करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। इफ एनीवन डूइंग एनीथिंग नॉनसेंस, ब्राह्मण शुड एक्सक्यूज देम। सो आई थिंक दैट यू हैव डन रॉन्ग, दैट किंग हैज नॉट डन रॉन्ग बट यू हैव डन रॉन्ग। Now we will see that whole world will be ruined. You have done so great mistake. And he sent two students, go and tell Parikshit Maharaj. He should do anything he like. In 7 days he will date. 7 din mein jaru takshak usse katega aur wo marega. Isliye 7 din mein jo kuch karna hai kar lo. परीक्षित महाराज सुनते ही बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े धर्मात्मा राजा थे, मृत्यु का डर नहीं खाए उनको। He became so glad and at once gave up his whole throne, kingdom, his wife, children and everything. And he went to the Ganges, गंगा के किनारे चले गए और खाना पीना 7 दिन के लिए छोड़ करके वहीं पर बैठ गए और सारे भारतवर्ष के ऋषि लोग वहां पर उपस्थित हो गए। He gave up his taking mills and everything, no water, nothing, and he went to Ganges and he did pranam to Ganges and sat there for 7 days. At once, उसी समय में कोई तार नहीं, कोई आज जैसे होता है कंप्यूटर भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं, और भारतवर्ष के जितने ऋषि थे सब हजारों कितने 60,000 से भी अधिक 88,000 ऋषि लोग वहां पर पहुंच गए। देयर वाज नॉट सो मच कम्युनिकेशन, नो टेलीग्राम्स, नो फैक्स, नथिंग एट ऑल। हाउ दे न्यू? In a moment, all knew in whole world. And at once they came. No Pushpak Viman, nothing. How they came in a moment? It is very strange thing. And they all sat together. Parikshit Maharaj asked them, I will die in 7 days. So I have 2 questions. हम दो question हैं। जो अभी तुरंत मरने वाला है उसके क्या क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए, और जो 7 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 50 वर्ष में, 100 वर्ष में मरेगा, वो मरेगा जरूर, उसका क्या कर्तव्य? There are two questions he asked Parikshit Maharaj to all the rishis. Who were rishis? Vyas, नारद, कपिल, हबि, अभी अंतरिक्ष, पिपलायन, विश्वामित्र, गौतम, ऑल रियलाइज्ड, हु कैन सी होल वर्ल्ड, दे कैन नो एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग, टू देम ही आस्क्ड, व्हाट शुड आई डू? जो अभी तुरंत मरने वाले हैं, अभी 1 सेकंड की अभी फुर्सत नहीं, अभी बिछावने पर, अभी राम नाम सत्य होने वाला, उनको क्या करना चाहिए? और दूसरे, आज कल परसों बरसों मरेंगे जरूर, उनके लिए क्या कर्तव्य है? यदि आज किसी को मरना है तो बिजनेस पर में वो जाएंगे कि नहीं ऑफिस में? यदि सुन लिया जी अभी मरना है, अभी 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बिजनेस करेंगे, दान पुण्य कोई भी काम नहीं चलेगा, कुछ भी तपस्या, व्रत, होम, कुछ नहीं, बस केवल राम नाम का आश्रय, कृष्ण नाम का आश्रय, बस उसे कृष्ण नाम सुनाओ। और यदि समय उसका बचा है,
आज कल परसों तरसों बरसों, तो वो रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो और सब काम कर सकते हो। किंतु अभी जिनको मरना है भगवान के नाम के आश्रय के बिना, गंगाजल तुलसी उसके मुख में दे करके भगवान का नाम उसके कानों में सुनाओ या कहो जैसे कृष्ण 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 कृष्ण, बस तत्क्षणात उसकी मुक्ति हो जाएगी। एकदम ध्रुव निश्चित रूप में समझो, तनिक भी संदेह मत करो, डोंट डिसबिलीव। यदि ऐसी कोई बात हो बस साथ ही साथ में भगवान का नाम लो, इफ देयर इज एनी ओकेजन दैट आई एम डाइंग, एट वंस टेल कृष्ण कृष्ण, एट वंस कृष्ण विल कम एंड सेव एंड ही विल गिव सल्वेशन फॉर सो मेनी बर्थ एंड डेथ्स, sufferings and sorrow. Today I am finishing here. After that, tomorrow I will again explain Srimad Bhagavata. This is Bhagavata. What I told, it is of Bhagavata. Jo kuch maine kaha, ye Bhagavata hai. Isliye Bhagwan ka naam ka ashray lo. Jo kuch bhi karte raho, karo. Kintu naam ka ashray mat chhodo. Ram naam ko ank hai, सब साधन है सुन, अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे दस गुण। इफ वन इज देयर इन द लेफ्ट एंड यू कैन गिव वन जीरो, इट विल बी टेंथ, अगेन जीरो वन टेंथ। बट इफ देयर इज नो वन एंड गिविंग लैक्स एंड लैक्स, जीरो नो। सो इफ यू आर टेलिंग कृष्णाम, अटरिंग कृष्णाम, then everything is okay. And if Ram Bhagwan ka naam nahi hai, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram nahi hai, tumhara jatna jo kuch hai sab barbaad, bekar ka zero. Dan punya jo tapasya, ye sab koi raksha nahi kar sakta. Isliye Bhagwan ka naam ka ashray rakho, Bhagwan ka bhajan karo, Bhagwan ko keval nirakar aur iyati mat samjho, जगत को झूठा मत समझो, ये साधन का दरवाजा है। इस तरह से भगवान का भजन कीजिए, एक कीर्तन करो, गौर प्रेमानंद मेरो राधा रमन गिरधारी।
कल का सबको महाराज जी एक्सेप्टेड टू हैव सत्संग इन द इवनिंग. परसों यहीं पे होगा 6 से 8 बजे तक, और उसके बाद का प्रोग्राम आपको जैसे जैसे होता होगा वैसे बता जाएंगे. नहीं होगा तो यहाँ पे परमानेंटली एक हफ्ते तक ये 6 से 8 बजे तक कंटिन्यू करेगा. और परसों के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि परसों का जो प्रसाद खाना डिनर जो है वो यहीं पे होगा. तो परसों का, हाँ तो कल कोई नहीं आए हों, कल भी कोई आज कल आए हों और आज नहीं आए हों, या आज उतना अच्छा होगा. परसों शाम का खाना डिनर यहाँ पे इसके बाद में यहीं पे होगा. यू हैव द स्लिप्स. थैंक यू. हरे कृष्ण. थर्सडे का सत्संग